और बन गया। मतलब आगे मैं 97 लाख रुपया गवर्नमेंट के घर में दूंगा तो मैं काम कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर, रोड डायरेक्टर और कमिश्नर को साफ कह दिया, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो चोर है ना हम पेनल्टी भरेंगे। हाँ, हमने एक तय कर लिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पेनल्टी को सेटल नहीं किया गया, इसको वेव ऑफ नहीं किया गया, हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। मैं विद अथॉरिटी एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं, और खुद नहीं चलेंगे, पहले इस रामजादे डीएमओ को जलाएंगे जिंदा, इस रामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे, उसके बाद खुद को आग लगाएंगे। 3 दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मुझे कहता रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से भी कुछ अल्फाज निकले, मुझे कहता तुम्हारे ऊपर भी है, मैंने कहा कौन है, कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है। उसको पूछो किस बाप के लिए पैसे लेता है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फोन किया, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। मित्रों, हम जम्मू वालों की बदकिस्मती रही है, हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमें सन ऑफ द साइल अफसर चाहिए, जम्मू का आईपीएस चाहिए, जम्मू का आईएएस चाहिए। आज जम्मू के आईपीएस आईएएस अफसर ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये चंदन कोहली, ये हमारा डिपकॉम, जिसको डिपकॉम जम्मू लगाने के लिए हम भी लड़ रहे थे, मैंने मुबारक दी थी अपने डिपकॉम लंगर को कि तुम सन ऑफ द साइल हो। जिस दिन ये नोटिस निकला तब से लेके अब तक मैंने 32 कॉले की राघव लंगर को कि हमारी बात सुनो, उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे आगे कह रहा आई विल कॉल यू बैक। मैंने उसको लिखा आई नो यू विल नॉट कॉल मी बैक एंड आई विल शूट वन ऑफ यूर मेंटली सिक अफसर। उसके बावजूद भी मेरा वो मैसेज आप देख सकते हो जो मैंने डिपकॉम को लिखा था कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं खुद को भी गोली मारूंगा और आपके एक मेंटली सिक अफसर को भी गोली मारूंगा। लेकिन उसने आज तक मुझे फोन नहीं किया, यहां तक कि हमारे एक अधिकारी जिनके तलवे ये डिपकॉम चाटता है उनको भी मैंने बताया, उन्होंने इसको फोन किया भाई कोई टेंशन हो रही है, रंधावा साहब से बात करो, पूरी घर जो है खराब होने की कगार पे आ गए। 3 दिन हमारे घरों में मित्रों, 3 दिन हमारे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, हमारे घर में कलेश बना रहा कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, ऐसे हाल बन गए पानी लाल बड़ा। लेकिन आज तक डिपकॉम जम्मू ने एक बार हमें बुला के पूछना नहीं ठीक समझा, बताओ तो क्या है। तो मित्रों, मैंने आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर की है, हमारी मरने की बारी आ चुकी है, इनमें से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पहली गोली भी मारूंगा तो खुद को मारूंगा, पहले आग भी लगाऊंगा तो खुद को लगाऊंगा, लेकिन पहले उस रामजादे डीएमओ को आग लगाऊंगा, पहली गोली भी मारूंगा उस डीएमओ अंकुर सचदेवा को गोली मारूंगा। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि मेरे कोई भी वर्ड काटना मत, इसको पीएमओ तक पहुंचाओ, इसको जितेंद्र सिंह को बताओ कि तेरे को दिल्ली इसलिए नहीं भेजा कि तू यहां पर एजेंट खड़े कर, भारत शर्मा रामदारा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और रामदारा दरार बना हुआ है। सर आप भी तो उसी पार्टी के, मैं बिल्कुल कह रहा हूं मैं उस पार्टी का लीडर हूं, आज भी हूं, डंके की चोट में हूं, और बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है दलाल पैदा करने में। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दलाल पैदा किए हैं तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। आपको नहीं लगता कि अपनी पोस्ट का जिस पद पे वो बैठे उसका गलत जितनी लोगों के साथ खिलवाड़ किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या अंकुर सचदेवा, क्या उसके ऊपर जो बाप बैठे हैं या जिनको वो एजेंट कह रहा है, अगर उनको कीड़े नहीं पड़े तो आप जो मर्जी कह लेना, हमारे बच्चे अकेले भूखे नहीं मरेंगे, मरेंगे जितेंद्र सिंह के बच्चे भी, मरेंगे भारत शर्मा के बच्चे भी, और मरेंगे अंकुर सचदेवा के बच्चे भी। ये नोट करके रख लेना, विक्रम रंधावा पिछले 30 साल से बीजेपी का वर्कर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल पहले पैदा हुआ है, बीजेपी में उसको लाने वाला विक्रम रंधावा है, 2014 में उसको टिकट